आपका बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो है राम वन गमन पथ, और उस पर भी आप काम कर रहे हैं। आपने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, गायों के लिए गौठान बनवाया है, गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी चित्रकूट मार्ग का निर्माण करा रहे हैं, वो भी इन सब कामों को कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के भांजे हैं भगवान राम, तो यहाँ उनका जन्म हुआ था। तो आपके राम और उनके राम अलग अलग हैं या एक ही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में क्योंकि कौशल्या के मायके है, इस कारण से राम को भांजे के रूप में हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि मामा उम्र दराज हो और भांजा छोटा भी हो तो भांजे के ही पैर छूते हैं, इसलिए कि उसमें भगवान राम को देखते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृति में रचा बसा है, हम कोई भी काम करते हैं तब भी राम से ही शुरू करते हैं, मिलते हैं तब या विदा होते हैं तब राम राम। गांव में राम कोठियाँ होती है और हर काम, मतलब हमारी संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा वनवास के समय भगवान राम यहाँ समय बिताए हैं, तो इस कारण से सांस्कृतिक रूप से हमारा जुड़ाव है। और इस कारण से हमारे जो चित्रकूट के बाद जो कोरिया जिला पड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ से शुरुआत होती है, उनकी एंट्री होती छत्तीसगढ़ में, और लगभग 2200 किलोमीटर लंबा उनके यात्रा हुई है। उन जो यात्रा जहाँ जहाँ वो पड़ाव किए हैं उन सब इसी जगहों को हम लोग चिन्हित किए हैं, और उसमें हमने 9 जो केंद्र है उसे विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें इस साल पिछले साल जहाँ चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया, इस साल सबरी नारायण जहाँ माता सबरी का मंदिर है और उसको हमने विकसित किया है। माता सबरी यहीं भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे अपने, और वहाँ मंदिर भी है सबरी जी का, तो उस मंदिर को श्री नारायण है उसके भी मंदिर को सजाने संवारने और उसे विकसित करने का काम किए हैं, महानदी के तट पे है। तो उस अब अगला जो पड़ाव होगा हमारा राजिम और अन्य क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं उसको विकसित करने का। और जहाँ तक के इनके राम और हमारे राम में अंतर ये है कि भगवान हमारे लिए एक वनवासी राम है, हमारे भांजा राम हैं, और गरीबों के दुखी लोगों के राम हैं, और ये कण कण में बसा हुआ राम है। और इनका जो राम है वो युद्धक राम है। भगवान राम भद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और इनका जो राम है आप चित्र देखेंगे वो युद्धक राम के रूप में, जैसे रेम्बो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपने एक चित्र देखा होगा, पूरे देश भर में एक झंडा लगा है हनुमान जी का। हनुमान जी को हम लोग इस रूप में जानते हैं, वो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के समुच्चय हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े वीर हैं। लेकिन अभी जो चित्र दिखाया जाता है एकदम आक्रोशित, हनुमान जी को एकदम आक्रोशित रूप से उसको दिखाया जा रहा है। तो जनमानस में राम के और हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग हैं, आपके राम और उनके राम अलग हैं, अलग रूप। राम तो कभी नहीं हो सकते, क्रोधित राम तो हो ही नहीं सकते। राम तो राम, देखिए कबीर के राम, तुलसी के राम, वनवासी राम, गांधी के राम, ये सब राम हमारे हैं। जो श्रमिकों के राम हैं, गरीबों के राम हैं, वनवासियों के राम हैं, मेहनतकशों के राम हैं, तो ये राम हमारे हैं। तो भूपेश जी, तो फिर ये बताइए कि मतलब भगवान को भी राजनीतिक दलों ने बांट लिया है अपनी अपनी पसंद के मुताबिक या अपनी अपनी राजनीति के मुताबिक? भगवान को तो आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में देखिए, लेकिन इनको केवल युद्धक राम ही पसंद आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनको पसंद नहीं आते। इनके राम के साथ जानकी जी नहीं है, इनके राम के साथ लखन जी नहीं है, इनके राम के साथ हनुमान जी नहीं है, केवल युद्धक राम है।